टोनर यूज़ करेंगे या उसको अपने टोन करेंगे, या हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। देन मैं यहाँ अपने आईब्रो को फिल करूँगी। अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक आई शेडो लिया है। देन मैं यहाँ कंसीलर की हेल्प से अपने आईब्रो को डिफाइन कर लूँगी एंड अपने आईलेट पर भी कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं पाउडर की हेल्प से इसे सेट कर लूँगी। पाउडर से सेट करने के बाद क्या है ना, जो आपका तो सबसे पहले हम मैं यहाँ पर लाइट ब्राउन शेड अपने फेस लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से दोनों आईलेट पर मैं अप्लाई कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन शेड लूँगी, उसे पूरे अपने ट्रांजिशन एरिया पर अप्लाई करूँगी, आईलेट को छोड़कर। अच्छे से दोनों आईज पर ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद मैं ब्लैक आईशैडो लूँगी, उसे अपने लैश लाइन के क्लोज अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जिससे थोड़ा स्मोकीनेस लगे आईज पर। अच्छे से मैं यहाँ पर आईशैडो को अप्लाई करूँगी। देन ब्लेंड कर लूँगी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। देन मैं लाइट ब्राउन शेड लेकर ब्लैक आईशैडो को स्मच कर रही हूँ अपने आईलिड पर। सेम यही प्रोसेस हम अपने दूसरे आईज पर भी करेंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं, जब तक आपको आपका एग्जैक्ट कलर नहीं मिल जाता आप तब तक ब्लेंड करिए। देन मैं यहाँ पर स्केच आईलाइनर, पेन आईलाइनर अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पर विंग्ड आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी मैं। देन मैंने अपने इनर कॉर्नर को थोड़े पॉइंटेड कर रही हूँ, थोड़ा पॉइंटेड लुक देने के लिए। देन मैं यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से अपने लैशेस को कोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर फॉल्स लैशेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अपने लोअर लैशेस पर भी आप मस्कारा अप्लाई कर लीजिए। देन मैं यहाँ पर अपने फेस पर गुड वाइब्स का रोजी फेस सीरम अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छा सीरम है गाइस, आप एक बार यूज़ करके देखिए, आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। देन मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए एंड अपने बेस को स्मूथ बनाने के लिए। देन मैं यहाँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फिंगर के हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। डैबिंग मोशन में आपको ब्लेंड करना है गाइस, स्प्रेड नहीं करना है वरना केकी लगेगा। देन मैं यहाँ पर NYBA का कंसीलर अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड है, अपने अंडर आइज पर, विच ऑफ द नोज, अपने माउथ के कॉर्नर पे। देन मैं यहाँ पर NYBA का कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोरिंग के लिए। अच्छे से हम सबसे पहले कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद हम कॉन्टोरिंग जो किया है हमने उसे ब्लेंड कर लेंगे, वरना दोनों मिक्स हो जाएगा। अच्छे से हमें कंसीलर को ब्लेंड करना है। कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी मैं। आप देख सकते हैं कंसीलर लगाने से हमारा डार्क सर्कल हाइट हो गया है। देन मैं यहाँ पर कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करूँगी। अब मैं यहाँ लूज पाउडर यूज़ करूँगी
जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ मैं लूज पाउडर की हेल्प से अपने फेस को सेट कर लूँगी। जहाँ हमने कंटूरिंग किया है उसे हमें सेट नहीं करना है, लूज पाउडर से अच्छे से सेट कर लेना है हमें। देन जहाँ हमने कंटूरिंग किया है उसे ब्रॉन्जर की हेल्प से हम सेट करेंगे। देन मैं यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का ब्लश यूज कर रही हूँ अपने चीक्स पे, नोज पे, चिन एरिया पे। देन मैं यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने ब्रिज ऑफ द नोज, चीक बोन्स पे, क्यूपिड्स बो, चिन एरिया एंड फोरहेड पे। अच्छे से अपने फेस को हाइलाइटिंग करने के लिए हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे। देन मैं यहाँ पर मैलियो का लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पर डार्क मैरून इसका सेड है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूँगी ना, डार्क ब्राउन शेडो को अपने फिंगर की लेकर फिंगर की हेल्प से अपने लिप्स पे डैब डैब करके अप्लाई कर लूँगी। इससे ना हमारा लिप्स से डार्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर फिंगर की हेल्प से आई शेडो को ना अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं यहाँ सेम आई शेडो को अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। देन मैं यहाँ पर लैक्मे का आइकॉनिक काजल यूज़ करूँगी। नॉर्मल काजल अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर, काले काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ। काजल अप्लाई करने के बाद अब हमें यहाँ अपने ब्राइट, अब ना मैं अपने ब्रॉ बोन का हाईलाइट कर लूँगी एंड इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी। ब्रॉ बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने पर ना आइज़ का लुक आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल उभर कर आ रहा है। देन मैं यहाँ मेकअप फिक्सर की हेल्प से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। सो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।